और ये लोग को देखो कैसे आपसे मिलते राखी बनाने के बाद। तो मुझे गिफ्ट चाहिए। शाम तक मुझे रियलाइज हो गया कि यार क्या कर रहा है रोशन, सो आई डिसाइडेड टू पनिश माय सेल्फ। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो 4 बजे तक मैं उठ जाता हूँ एंड अपने सारे छोटे मोटे काम करके मैं रेडी हो जाता हूँ। और सबसे पहले मैं अपना मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ एंड पता नहीं क्यों यार मेडिटेशन करो ना तभी पूरी दुनिया भर का थॉट्स मेरे माइंड में आता है। और मेडिटेशन करने के बाद मैं अपनी लॉ की आंसर रिटेनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। एंड गाइस, कल मम्मी बोल रही थी कि रक्षाबंधन का मुहूर्त 9 बजे से लेके कल रात को 9 बजे से लेके आज 1 बजे तक है। मैंने सोचा चलो ठीक है, आराम से 9-10 बजे तक अपना काम करके फिर राखी बनवाएंगे। पर मम्मी अभी नीचे से आवाज़ आई बोल रही कि 7 बजे तक ही मुहूर्त है, जल्दी से नीचे आ। तो मिलते हैं आपसे राखी बनवाने के बाद। अब फोटोज वगैरह क्लिक करने के बाद नेहा मेरे से गिफ्ट मांगने लगती है। आएगा गिफ्ट, गिफ्ट खड़ आएगा। मेरे साल में एक बार आता आप गिफ्ट भी नहीं दे रहे हो, आप मुझे गिफ्ट दो। चल जा, कुछ नहीं जा घर पे जा। गिफ्ट दो, मुझे गिफ्ट चाहिए। नहीं मैं जा घर। और इसे थोड़ा बहुत तंग करने के बाद मैं इसका गिफ्ट दे देता हूँ इसे। हम लोग ने इसके लिए शूज़ लिए थे क्योंकि इसका स्पोर्ट्स शूज़ पड़ गया था और समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या ले इसके लिए, तो अध्ययन शूज़ ही ले लिए। और ये उसका क्वालिटी चेक करते हुए, अरे रुक रुक कहाँ जा रही है, हाँ आप जा। एंड देन इंस्टा पे स्टोरी वगैरह लगा के कल का एक सीताफल बचा था उससे खा के मैं अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता हूँ। और फिर पानी और चूड़ा ला के जो मैंने कोर्स में एनरोल किया था उसका सेशन अटेंड कर लेता हूँ। और 12 बजे तक इकोनॉमी की क्लास खत्म करके मैं लंच कर लेता हूँ। मुझे सेवैयां बनानी थी, मैं पीछे गया जहाँ मेरी सब्जी। एंड देन यूट्यूब पे थोड़ा बहुत कंटेंट कंज्यूम करके मैं एक छोटा सा नैप ले लेता हूँ। और फिर नैप लेने के बाद मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ एंड देन एक एक करके मैं अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट करने में लग जाता हूँ। और एक कॉमन क्वेश्चन जो कि हर एक वीडियो में कोई ना कोई तो पूछता रहता है कि आपका सिलेबस कितना हो गया, सो आज फाइनली इसे भी डिस्क्लोज कर देता हूँ। सो देखो लॉ तो पूरा हो गया है, बस अच्छे से रिवीजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है जो सबसे हार्ड वही लग रहा है। और अकाउंट्स भी कंप्लीट होने को आया है बस चैप्टर 1 को छोड़ के। और मैक्स स्टेट्स LRP ऑलमोस्ट 75% तक हो गया है। एंड बात करेंगे इकोनॉमिक्स की तो ये 20% तक हुआ है और BC के PCR को तब तक देखा भी नहीं हूँ। मैंने तो बता दिया, अब आपका भी फर्ज बनता है कि आपका कितना हुआ कमेंट करके बताओ। और सारे क्लास कंप्लीट करने बाद मैं अपना वर्कआउट सेशन स्टार्ट कर देता हूँ। और आज मैं खुद को पनिशमेंट देने वाला हूँ 100 पुशअप करने के लिए। अब क्यों दे रहा हूँ इसका रीज़न आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत वार्म अप कर लेता हूँ एंड देन पुशअप स्टार्ट कर देता हूँ। आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए 100 पुशअप बहुत ईजी होगा, बट फॉर मी इट्स अ रियली नॉट अ ईजी टास्क बिकॉज एज यूजुअल मैं 20-25 पुशअप इन अ डे में आ रहा हूँ, बट 100 पुशअप इन अ डे लेट्स सी कर पाते कि नहीं। I am a hunter, rabbin, fill the demons in hunger. I am the thunder, I command the masses in number. Finally, 100 push-ups ho gaye. Pehli baar apni life mein itna push-up maar raha hu. Main to minimum averagely baat karenge to 20-25 tak hi jata tha. 100. एंड देन मैं हल्का सा फ्रेश होकर डिनर कर लेता हूँ। और अभी मैं बताता हूँ मैंने अपने आप को क्यों पनिश किया। देखो अब तक मैंने ये पढ़ा था, ये सुना था कि जब आप अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को, अपने प्रॉमिस को पूरा करते हो तो अपने आपको रिवॉर्ड देना चाहिए, है ना। आप भी पढ़े होंगे, आप भी सुने होंगे किधर ना किधर। तो बट वट अबाउट जब आप इसे पूरा नहीं कर रहे हो तो रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग अपने आपको पनिश भी देना चाहिए। अब ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता था, पर मैं आप लोग बताया था ना मैंने कोर्स में एनरोल किया, उसमें मुझे पता चला कि जब आप अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो, अपने गोल्स को, अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहे हो तो आप अपने आपको रिवॉर्ड दे रहे हो, ठीक है।
बट जब आप उसे नहीं कर रहे हो तो अपने आप को पनिश भी करो। और ये चीज सुन के मैं भी सोचने लगा, हाँ यार बात तो सही है, मैं आज से अपने आप को रिवॉर्ड देता आया हूँ, बट अपने आप को कभी पनिश नहीं किया हूँ। और क्या पता पनिश ना करने के कारण मैंने अपने कई सारे टाइगर्स को ऐसे ही छोड़ दिया है। तो आज कुछ ऐसे हुआ, मुझे स्वीट्स ना बहुत पसंद है, मैं मीठा बहुत खाता हूँ, तो इसलिए मैंने पिछले कई मंथ से मैं सोचा था कि यार मीठा को कम करना है, स्वीट्स को कम करने का, और इसलिए मैं अपने आप को बोलता हूँ तो हाँ अभी मैं स्वीट्स नहीं खाऊंगा। और 10-15 दिन तक होता है, फिर क्रेविंग बढ़ती है मीठा खाने की, अगर मैं खा लेता हूँ, और जब खाता भी ना तो कंट्रोल नहीं होता है, गप 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 खाते ही रहता हूँ। और 2 वीक पहले मैंने फिर से सोच लिया कि मैं चीनी कंज्यूम नहीं करूँगा, एकदम ना मात्र में कंज्यूम करूँगा, बट 2 वीक तक तो अच्छा चला। कल मेरे घर पर आया, स्वीट्स बहुत सारे आए, एंड मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, बट एट दी एंड वो मुझे अपने बहकावे में खींच लिया, एंड मैंने खा लिए कुछ 6-7 गुलाब जामुन मैंने खा लिए। वैसे कल के ब्लॉग में तो मैंने 2 ही बताया था, लेकिन छुप छुप के मैंने 6-7 खाए, तो मम्मी को बताना मत। और आज भी मेरे दिन की शुरुआत गुलाब जामुन खाते हुए, आपने देखा कि मैंने 2 गुलाब जामुन खाया था, लेकिन दोपहर होते हुए तो मैंने 6 खा लिए थे। अब मम्मी सोच रही कि इतना खा कौन रहा है, क्योंकि मम्मी के सामने तो सिर्फ 1-2 खा रहा हूँ। मम्मी को मेरे पे शक है, क्योंकि मम्मी को अच्छे से पता है सबसे ज़्यादा मीठा यही खाता है, यही अटक रहेगा, लेकिन मम्मी के पास कोई प्रूफ नहीं है, तो कृपया करके वीडियो में मम्मी को ना दिखाए, नहीं तो मेरी कुटैया हो जाएगी। एंड शाम तक मुझे रियलाइज हो गया कि यार क्या कर रहा है रोशन, सो आई डिसाइडेड टू पनिश माई सेल्फ। अब पनिश करने का मतलब ये नहीं कि खाना नहीं खाऊंगा, हाथ काट लूंगा, ऐसा कुछ नहीं। कुछ ऐसा पनिश करो जो आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाए, फॉर एग्जाम्पल रनिंग कर लो, पुशअप कर लो, एक दिन के लिए फोन को स्विच ऑफ करके साइड में रख दो, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी फिर एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।